ये माना जाए कि अगर जो देश आज़ाद हुआ है तो उसके पीछे उसकी जाति हमेशा चलती रहती है, मतलब देश आज़ाद होने के बावजूद भी आज अपने आप को कोई भी स्वतंत्र बहुजन समाज आदमी का कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जैसे अगर राष्ट्रपति हैं उन्हें भी दलित राष्ट्रपति कहा जाता है, संदीप जी हैं तो संदीप भी दलित में ही आते हैं, विधायक हैं तो इस तरीके की मुहिम चली आ रही है। आप एक चीज़ देखो, दुनिया के किसी देश में चले जाओ जी, वहाँ वर्ग व्यवस्था है। ये पहला देश है जहाँ पर दो व्यवस्थाएं चलती हैं, वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था अमीर कभी भी गरीब हो सकता है, गरीब कभी भी अमीर हो सकता है जी। लेकिन वर्ण व्यवस्था में दलित ब्राह्मण नहीं हो सकता कभी भी, ब्राह्मण कभी दलित नहीं हो सकता जी। तो ये देश मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं ये लोग चाहते हैं। राम राज जो था, जिसका रामायण में जिक्र किया गया है ना, राम राज क्या था, हमारे पीछे झाड़ू बनती थी, गले में हंडी बनती थी, एकलव्य का अंगूठा लिया गया, शंभु ऋषि को मारा गया राम की तरफ से। ये लोग वही चाहते हैं कि इन दलित पिछड़ों को वहीं पे छोड़ दो, इनको जानवरों जैसा बदतर इनका हाल रखें और हम इन पे जानवरों, ये जानवर की तरह काम करें, हम इंसानों की तरह इनके ऊपर राज करें। यही हुआ है। और बाबा साहब देखो, बाबा साहब तो वैसा, हमारा भगवान तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। वो आदमी जैसा आदमी ना तो कभी पैदा होना ना कभी होगा, सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं। हम लोगों के लिए उनका जीवन ही, उनका संघर्ष ही प्रेरणा है। हमें बाबा साहब को रास्ते पर चलना चाहिए, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। पी बैक टू सोसाइटी का जो नारा था वो हम लोगों को करना चाहिए। हमारे लोग क्या, बहुजन समाज के लोग व्यस्त हैं, मियाँ बीबी फ्लैट और घूमते हैं फिरते हैं, काठी घोड़े गाड़ी आ गए जो लोग शहरों में हैं। लेकिन दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर जाके देखो, हमारी बहन बेटियों के पास अगर माँ घर में रहती है तो वो साड़ी पहन के बेटी बाहर जाती है, फिर बेटी आ जाती है वो साड़ी बांध के फिर माँ बाहर जाती है। इतना बुरा हाल, कपड़े तक नहीं है हमारे लोगों के पास पहनने के लिए। और यहाँ पर कुछ दलित राजनीति में ऊपर आ गए, कुछ अधिकारी बन गए, वो सोचते हैं हम इस देश के मालिक हो गए। अरे तुम्हारा ही शोषण है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अधिकारियों का और मंत्रियों का शोषण है। इनकी औकात नहीं है बोल जाइए अपने आंखों के सामने। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ चल रही हैं देश में, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, एक ही परिवार के लोग हैं, है ना। ये अलग अलग टीम बनाकर टूर्नामेंट खेलते हैं, बोल इनके पाले में जानी, ये सारे एक ही परिवार के बच्चे हैं।